किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। आज़ाद उम्मीदवार मखसूस मुद्दत के बाद किसी जमात में शमूलियत नहीं कर सकता। जिस पार्टी ने मखसूस नशस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को नहीं दी, उसे मखसूस नशस्तें नहीं दी जा सकती। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश, अपोजिशन की तरफ से मुखालफत। स्पीकर अयाज सादिक ने बिल मुतल्लिका कायमा कमेटी को भिजवा दिया। कौमी असम्बली इजलास स्पीकर अयाज सादिक की जेर सदारत हुआ, जिसमें मुल्क में दहशतगर्द हमलों में शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेज के जवानों की शहादत पर फातह खानी की गई। इजलास में लीगी रुकन बिलाल अजहर कयानी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल एवान में पेश किया। इस मौके पर अपोजिशन ने बिल की मुखालफत की और नो नो के नारे लगाए, जिसके बाद स्पीकर कौमी असेंबली ने बिल मुतल्लिका कायमा कमेटी को भिजवा दिया। आई विश टू मूव दैट द बिल टू प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट द नेशनल एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट बिल 2024 बी पास्ड। Now I put the motion to the House. The question is that the bill to provide for establishment of National Excellence Institute, the National Excellence Institute Bill 2024, be passed. Election Tarmeemi Act 2024 की पहली तरमीम के मुताबिक कोई अपनी किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं कर सकता। दूसरी तरमीम में कहा गया कि जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को ना दी हो, उसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। रुकन कौमी असम्बली बिलाल अजहर कयानी ने नेशनल एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट के क्याम का बिल भी पेश किया, जिसकी ऐवान ने मुतफिका तौर पर मंजूरी दी। पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह ने तफवीज करता कानून साजी की जांच पड़ताल का बिल कौमी असम्बली में पेश किया। वज़ीर कानून ने बिल कमेटी में भेजने की सिफारिश कर दी। दफा मामला एग्जामिन हो जाए, क्लॉज बाय क्लॉज प्रोस कॉन्स नजर आ जाए, तो अगर कंसर्न कमेटी में भेज दिया जाए, वहाँ पे हम डिबेट करके ले आए जी इंशाल्लाह। रुकन कौमी असम्बली अमजद अली खान ने 10 तरमीमी बिल 2024 कौमी असम्बली में पेश किया, जिसे स्पीकर कौमी असम्बली ने कायमा कमेटी को भिजवा दिया।